हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सभी को राम राम। और आज गंगा किनारे हम लोग सुबह जल्दी आ गए, आज सुबह के 7 बज रहे हैं। और आज पंडित जी भी आए हैं वहाँ पे, देखिए क्रिया 8वें दिन की क्रिया कंप्लीट होने वाली है गंगा जी के किनारे का। और सबसे मेन बात ये है कि आज मैं गंगा जी किनारे आया तो मुझे एक चीज़ देखकर अच्छा नहीं लगा, जो कि देखिए बगल में बफेलो है। किसी की बफेलो मर गई थी भैंस, मतलब तो उन्होंने यहाँ पे फेंक दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। कितनी बार हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि नमामि गंगे के तहत गंगा मैया को स्वच्छ रखा जाए, लेकिन कुछ धूर्त लोगों की वजह से गंगा मैया अस्वच्छ हो रही हैं। अभी एक्चुअली क्या है कि मैंने तो देखा नहीं कि इस बफेलो को किसने फेंका। अगर देखता तो मैं वीडियो बनाकर पुलिस कंप्लेंट करता था, लेकिन अभी नहीं देखा तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए अभी नहीं देखा तो छोड़ते हैं, कभी देखेंगे तो फिर बताएंगे वो लोग को। लेकिन अभी चलते हैं ऊपर, भोले बाबा का दिखाया हूँ आपको पहले वीडियो में कि वहाँ पे मंदिर है, अभी वहाँ पे भी कुछ क्रिया होता है। तो आइए चलते हैं वहाँ मंदिर पर, फिर मिलेंगे ऊपर आपसे। गांव के चाचा हैं, अभी ये जा रहे हैं, किसी ने नहीं हटाया, पुजारी हैं इस भोले बाबा मंदिर के, वो जा रहे हैं। वो नाव का वो होता है, उससे ठेल देंगे तो वो चले जाएगा। तो देखिए ये अरे जिस तरीके से ये सब हो रहा है, कुछ अब आत्मा दुखी ही रहेगा कि क्या मालूम कौन ये सब कर देता है ना। हर 3 किलोमीटर पे जो मतलब जहाँ तक जिस 25 से 50 किलोमीटर गंगा जी हैं कुल, गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक 3-3 किलोमीटर पे एक आदमी नियुक्त किया जाए तनख्वाह दे के जो बा। और ये सब देख रेख करे जो है तो ऊपर कानून बनाए जो बा, हम तो नहीं फिर वहाँ जाके लगे। नहीं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो भी कर रहा है ये कुछ धूर्त लोगों की वजह से गंगा मैया अस्वच्छ हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका अभी किसने फेंका है हमने देखा नहीं, वीडियो बनाकर जो फेंक रहा है पुलिस कंप्लेन करें, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो गंगा मैया का बहुत अपमान हो रहा है इससे कलयुग में, तो ये नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, अभी आगे देखेंगे।